जंग जो है हमारी जारी रहेगी। आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी और वहां पे मैंने ये जो लोग हैं, ये अक्ल के जो नादान लोग बैठे हुए हैं मरी में, नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, मरियम नवाज हो गई, ये बाकी भी जो लोग होंगे, इनके लिए एक हमारा जुमला काफी है कि आपको याद होना चाहिए कि हमारे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को आपने जेल में डाला, पार्टी नहीं कुछ नहीं गई, आपने हमारा भला हमसे छीना, पार्टी मजीद मजबूत हुई, हम लोग आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और स्वीप किया हमने दो ताई अक्सरियत, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैन कर सकता। हम लोग अदालतों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और रही है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। खवातीन हज़रात, ये भी अहम चीज ध्यान में रखें कि इस वक्त मईशत के हवाले से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, अफरादे ज़र अरूज पे अभी जाने वाली है, मजीद जाएगी, मुर्गों का रेट इस वक्त 500 रुपए से भी टपक गया है, आटा दाल चीनी हर चीज सोने पे सुहागा, इंटीरियर मिनिस्टर आपका वजीर दाखला मोहसिन नकवी जिस वक्त ये निगरान वजीर आला था, 450 अरब रुपए की गंदम पाकिस्तान में इम्पोर्ट की गई, पंजाब के किसानों से गंदम खरीदी नहीं गई, बरदाना नहीं दिया गया, किसानों का की रीढ़ की हड्डी उन्होंने तोड़ दी, कमर तोड़ दी, और आज यही हुकूमत फिर एक दूसरा नाटक करने जा रही है कि गंदम एक्सपोर्ट करने के चक्कर में है, इंपोर्ट पे भी कमीशन, आढ़तियों से भी कमीशन, एक्सपोर्ट पे भी कमीशन, हर जगह पे इस हुकूमत का एक ही काम है और वो है कमीशन लेना। आप ये देखें कि प्राइवेटाइजेशन या निजकारी बजट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, SIFC के जरिए जो बहुत बड़ा इनके जहन में था, हम लोग बना रहे हैं, सिर्फ 30 अरब उन्होंने लिखा हुआ है कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन से कमाएंगे, 1000 अरब रुपए मालियत के जो निजकारी के लिए कारखाने ये बेचने जा रहे हैं, उसके ऊपर कागजों पे 30 अरब, असली मालियत मालकियत उसकी मालियत जो है वो 1000 अरब, 970 अरब रुपए के अंदर जाएगा। जगह जगह आप देखें, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है और वो है करप्शन। पाकिस्तान की आवाम को सही मानों में मालूम है कि ये लोग करप्ट हैं, इस हकूमत का कोई किसी किस्म का गरीब और मेहनत कश लोगों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि वजीर आजम साहब ने हमारी तंजीमों के हवाले से भी मैसेज दी है, हमारी मजीद हम लोग इंशाल्लाह ताला तंजीम साजी तेज करके लेके जाएंगे और अच्छे लोग तकड़े लोग हमारी तंजीमों में होंगे। और इसके साथ साथ जी क्या कह रहे हैं जी, बहुत अहम बात वजीर आजम साहब ने, वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये बात कही कि जो मुलाकात का टाइम है, आज भी बारहा बार जेल पुलिस वाले लोग आ रहे थे और हमारी बात टोक रहे थे और मैंने उनको वाजे तौर पर कहा कि आप मेंबर कौमी असेंबली के, यहाँ पे दो मेंबरान कौमी असेंबली बैठे हैं, आप उनका इस्तकाक नहीं मंजरू कर सकते हैं। और वजीर आजम इमरान खान साहब का जो कानूनी हक है कि उनके बेटों के साथ बात करनी, ये वो जेल अथॉरिटीज हैं, यहाँ पे ISI का एक कर्नल बैठा हुआ है, मेजर बैठा हुआ है और ये जेलर जो है ये उनकी बात नहीं होने दे रहे, इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हैं। और यहाँ पे ये भी मैं बात करूँ आखिरी बात और फिर फसल साहब बात करेंगे, बैसियत है लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन कौमी असेंबली में, आज मैंने प्रिविलेज मोशन डाल दिया है, 4 जुलाई को जो हमारे बाकी मेंबरान मेरे साथ आए थे, हमें इन्होंने यहीं पे अडियाला जेल में मुलाकात खान से नहीं करनी दी वजीर आजम साहब से, 5 घंटे हम लोग यहाँ पे खड़े रहे और उसके खिलाफ सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद रावलपिंडी, IG जेल खाना जात, IG पंजाब जो डाउट है डॉक्टर उस्मान, आपका होम सेक्रेटरी, आपके यहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट और नीचे यहाँ पे चौकी इंचार्जेज जो हैं, इंसानों को वहाँ पे हम लोग समन करेंगे और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स के बारे हम लोग कहेंगे। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि वजीर आजम साहब ने, वजीर आजम इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये लोग
हमारे MNAs और MPAs को उठा रहे हैं, उनके खिलाफ ये पर्चे कर रहे हैं एंटी करप्शन के। क्यों? क्योंकि हमारे साथी अहमद खान बचर साहब पंजाब में लीड कर रहे हैं, लीडर ऑफ दी अपोजिशन, हमारे सब के सब साथी, हमारे फयाज साहब MNA, उनके बेटे को जब टॉर्चर कर रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे, वालदा के साथ उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग, वो शख्स, उस साथी को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज भी पार्लियामेंट्री कमेटी में फयाज साहब ने कहा कि ये सीट और ये सब कुछ अमानत है वजीर आजम इमरान खान का, और वो डट के खड़े हैं हम लोग ऐसे साथियों को, चाहे वो हमारे साहबजादा अमीर सुल्तान साहब हो, चाहे वो हमारे जमशेद दस्ती साहब हो, फयाज साहब हो, हमारे जितने के जितने साथी हैं वो इस वक्त डट के खड़े हैं। और इस वक्त हमारे वज़म हमारे जतोई साहब भी, वज़म जतोई साहब, उनकी इस वक्त हाजिरी हुई है कोर्ट में, उनको शायद पेश कर रहे हैं 4 दिनों के बाद। और इस चीज़ को हम लोग शिद्दत से इसकी मुज़ाहमत करते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या काम कि सियासी कारकुनों को वो उठाएँ और उनके पे तशद्दुद करें। मुल्क में आप देखें दहशतगर्दी की लहर दौड़ रही है, और ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर है, ये उनकी नाकामी है कि ये दहशतगर्दी हो रही है। इंटेलिजेंस एजेंसी के वीगो डालो और उनके एजेंट्स को, तहरीक इंसाफ के लोगों को और आप जैसे मीडिया के बहादुर सिपाहियों को और साथियों का ताकुब करने से फुर्सत मिले तो वो फिर जाके दहशतगर्दों का कोई ताकुब करें। मैं इससे यहाँ पे आपके सामने गुजारिश करूँगा रऊफ हसन साहब से कि वो आके अपने ख्याल। थैंक यू उमर साहब, आपने सब कुछ कह दिया है जी, जो कुछ इम्पोर्टेंट था वो कह दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, एक बड़ा पुराना प्रोवर्ब है और एंशियंट प्रोवर्ब है, वो ये कहता है कि इंग्लिश में दोज द गॉड्स वांट टू डिस्ट्रॉय द फर्स्ट मेक मैड, यानी कि उन लोगों को जिनको खुदा तबाह बर्बाद करना चाहते हैं वो उनको पहले पागल करते हैं। आज पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टीज अदर देन PTI, खासकर शरीफों का जो वतीरा बना हुआ है, जो बरी में मीटिंग्स जिनका हवाला उमर साहब ने अभी दिया है, वहाँ ये पागलपन की बातें कर रहे हैं और ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाएगा, वो पाकिस्तान को तबाही से बचा नहीं सकता। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी, एज ए पीस लविंग पार्टी, आइन और कानून के मुताबिक चलने वाली पार्टी के नाते हम इनका हर मकाम के ऊपर जब भी ये कोई गलत कदम उठाएंगे हम इनका सामना करेंगे, इनको कन्फ्रंट करेंगे और खुदा ताला की मदद से हम इंशाल्लाह ताला इनको वही करेंगे जो कि खुदा ने इनकी किस्मत पे लिखा हुआ है कि ये तबाह बर्बादी की तरफ उन्होंने अपने आप को ले जा रहे हैं, और हम इनको एक्सपेडाइट करेंगे इनका जो वो प्रोग्रेस है। थैंक यू असीम। बहुत शुक्रिया उमर साहब। उमर साहब ये बताइएगा कि जब से हुकूमत ने PTI पर बैन का ऐलान किया है उसके बाद से पहली मुलाकात है आपकी खान साहब से, इमरान खान का क्या मौकफ है हुकूमत ने जो ऐलान किया है? दूसरा ये बताइएगा मखसूस डिसिस्टू का जो फैसला है उस पर ये तासुर है कि इलेक्शन कमीशन शायद कोई ताखीरी हरबा इस्तेमाल करे, आप क्या करें? दो बड़े अच्छे सवाल हैं। सबसे पहली बात ये है जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अमेरिका जी आज सुबह भी प्रेस टॉक की है और वहाँ पे कहा है कि जी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो बड़ा क्या क्या मार के वो हंसे, उन्होंने कहा ये बिल्कुल पागल हो गए, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक आपकी बात है मखसूस नशस्ते, इंशाल्लाह ताला वो फैसला होगा, और जितने ये इस वक्त मेरा ख्याल है ये पागल हुए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नाफरमानी करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, इनके पले है क्या? मैं सुबह भी रिपीट किया था, अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान, क्या नाम है अपना, सिकंदर सुल्तान राजा, और उसके चारों कमिश्नर जो हैं उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने आइन और कानून के खिलाफ वर्जी की है, और इंशाल्लाह ताला हमारा ये कानूनी और आइनी हक है, हमारे खिलाफ कोई ये करेंगे हम लोग कानून का सहारा लेते हुए उनका तदारक करेंगे। बहुत शुक्रिया। इदारे देखें, आपको मैं फिर आपके पास Article 7 आइन का है कि इदारा या रियासत क्या होती है, रियासत होती है मजलिसे शूरा, वफाकी हुकूमत, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमत और TMA जो के आपके टैक्स नाफिज करते हैं, बाकी सब कुछ वो रियासत के मातहत हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, रेंजर्स हो, जो मर्जी हो, वो आपके रियासत के मातहत
आप समझे टूल्स हैं, औजार हैं, रियासत हम लोग हैं, ये रियासत है, ये रियासत है, जो पार्लियामेंटेरियंस है वो रियासत है, वो हकम उद्दौली वो कर ही नहीं सकते आईन और कानून के मुताबिक। आपका चौकीदार उठ के आपके मालिक मकान को कह के घर मेरे नाम कर दो, भाई ऐसा नहीं होता। और आखिर में मैं बात करूंगा इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद का जलसा जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा।